नमस्कार, दिन भर के टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो चलिए रुख करते हैं दिन की खास खबरों की तरफ। पहली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के बूढ़ी कूड़ा पंचायत के जामकुंदर गांव में पिछले 3 साल से खेला मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से आज हजारों की भीड़ देखी गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से लोग आते हैं। दूसरी खबर मंडरो से आ रही है, जहां मंडरो प्रखंड सभागार में BLBC की बैठक साहेबगंज मंडरो प्रखंड सभागार में BDO नरेश कुमार मुंडा की अध्यक्षता में प्रखंड व जिला के शाखा प्रबंधक के साथ आयोजित की गई है। बैठक में BDO सुरेश कुमार मुंडा ने सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से लाभान्वित सभी योग्य कृषकों को KCC पेंडिंग को क्लियर करने की बात। मंडरो प्रखंड में BLBC की बैठक हुई, जिसमें एनुअल क्रेडिट प्लान बैंकों का, जिसका कि जून तिमाही तक का एचएम में, इसके अलावा PM किसान के अंतर्गत जो है नए नए आवेदन पत्र आए हैं उन्हें जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जो बहुत ही अच्छा रहा और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस दिखे। तीसरी खबर में आपको बता दें कि आज बसंतरा के मेदनी चक में कुछ महिलाओं द्वारा बाजार में हंगामा किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक महिलाओं ने CSP में पैसे जमा किए थे और उनके पैसे बैंक में नहीं जमा हुए थे, जिसको लेकर CSP संचालकों को महिला के समूह ने घेर लिया। हालांकि पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और CSP संचालक युवक को थाने लेकर आई। चौथी खबर में आपको बता दें कि आज पूरे राज्य में 6ठी से 8वीं तक के लिए स्कूल खोलने की अनुमति थी, पर विभाग द्वारा चिट्ठी नहीं निकाले जाने पर सभी स्कूलें आज भी बंद रही है और स्कूल अब तक नहीं खुल पाई है। अगली खबर में आपको बता दें कि जिले में हो रहे अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने हेतु आज उपायुक्त और पुलिस कप्तान द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिले में बालू के अवैध व्यापार धंधे पर रोक लगाने हेतु उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं। खनन विभाग के द्वारा छापेमारी के माध्यम से राजस्व की वसूली और छापेमारी अभियान में तेजी लाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा और अनुमंडल पदाधिकारी महागामा, जिला खनन पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक गोड्डा श्री YS रमेश द्वारा संबंधित पदाधिकारी पुलिसकर्मी को निर्देश दिए गए हैं कि एंट्री पॉइंट पर विशेष रूप से पैनी नजर बनाई रखी जाए, ताकि अवैध ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई हो सके। शहर की शान, पार्टियों की पहचान, होटल तुस्तया इन। 200 से ज्यादा तरह के लजीज और जायकेदार व्यंजन, स्वाद ऐसा कि भुलाए न भूले। प्रीमियम डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम सूट, प्रेसिडेंशियल सूट, ट्विन बेडरूम जैसे लग्जरी कमरे, फ्री वाईफाई इंटरनेट, फ्री पार्किंग, फुल एयर कंडीशन, 24 घंटे बिजली, रूम सर्विस और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा। किसी भी बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी के लिए वातानुकूलित बैंक्वेट हॉल। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपनी खुशियों को यादगार और रंगीन, तो एक बार अवश्य पधारें होटल तुस्तया इन।